नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं आफ्टर ट्वेल्थ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जो स्टूडेंट अभी ट्वेल्थ कर रहे हैं या जिन्होंने ट्वेल्थ कंप्लीट कर दिया है उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि ट्वेल्थ के बाद वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं या उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो पूरी देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं आफ्टर ट्वेल्थ। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्वेल्थ के बाद बायोलॉजी के स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। यहाँ मैंने इन कोर्सों को तीन भागों में डिवाइड कर रखा है, मेडिकल कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज और कुछ अदर कोर्सेज। मेडिकल कोर्सेज में आपको बताऊंगा MBBS के बारे में, BDS के बारे में, BAMS के बारे में, BHMS के बारे में, BSc नर्सिंग, बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में। डिग्री कोर्सेज में आपको बताऊंगा BSc और BSc ऑनर्स के बारे में और कुछ अदर कोर्सेज हैं जैसे NDA हो गया, LLB हो गया, BBA हो गया या BMS हो गया। इन सारे कोर्सों को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताऊँगा। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज की। मेडिकल कोर्सेज में सबसे चर्चित कोर्स है वो है MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दोस्तों एक ऐसा कोर्स है जिसके सपने हर कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट देखता है कि उसको ट्वेल्थ के बाद MBBS करना है। दोस्तों एक पाँच वर्षीय कोर्स होता है और ये इसमें एक साल का आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम मिलती है यानी टोटल 5.5 या 6 साल का कोर्स होता है। इसकी योग्यता की बात कर लेते तो इसमें आपका ट्वेल्थ होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से और विद 50% मार्क्स से आप ट्वेल्थ पास होना आपका आवश्यक है। इंट्रेंस एग्जाम की इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट। जब आप नीट का एग्जाम दे देते हो उसके बाद आपको वहाँ पे काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और जो टॉप रैंकिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छे से कॉलेजों में एडमिशन मिलता है और फिर जो कम रैंकिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उनको उनकी रैंक के हिसाब से वहाँ पे एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटी में। अगर आप MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स में जैसे आँख का या कान का या हार्ट का, ठीक है, हृदय का, तो उसके बाद आपको मास्टर डिग्री लेनी पड़ती है MBBS के बाद, जिसको कहते हैं MD अथवा MS। जब आप मास्टर डिग्री ले लेते हो तो तब आप वहाँ पे सर्जरी कर सकते हो। बिना मास्टर डिग्री से आप सर्जरी नहीं कर सकते हो। यानी अगर आप किसी सब पर्टिकुलर उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री करना जरूरी है। नहीं तो MBBS यदि आपने सिर्फ MBBS भी कर लिया तो आपके सामने डॉक्टर लग जाएगा। अब इसकी जॉब की बात कर लेते हैं तो जॉब इसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है अगर आप डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एक इसमें और उसके बाद आप प्राइवेट अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं तो इसमें जॉब के काफ़ी चांसेस हैं। दोस्तों नेक्स्ट कोर्स यहाँ पे मेडिकल का वो है BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। दोस्तों एक 4 साल का कोर्स होता है और इसमें 1 साल की इंटर्नशिप प्रोग्राम मिलती है आपको यानी टोटल 5 साल का कोर्स होता है। इससे आप एक डेंटिस्ट बन सकते हैं। इसकी योग्यता की बात करते तो ट्वेल्थ के बाद आप ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क्स विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका ट्वेल्थ पास होना जरूरी है। इसके एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ले तो इसमें आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और नीट के एग्जाम के बेस पर आप यहाँ पे BDS में एडमिशन प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इसकी जॉब की बात कर लेते तो जॉब में इसमें प्राइवेट जॉब भी काफ़ी कुछ हैं और गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारी हैं क्योंकि आजकल आप जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कई तरह की मिलावटें, कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जिससे आपके जो दांत होते हैं वो लोगों के दांत क्या होते हैं ख़राब होते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो आप एक डेंटिस्ट है, जो एक डेंटिस्ट डॉक्टर है उसके पास आजकल भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र में भी जॉब के चांस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों नेक्स्ट कोर्स है BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों ये टोटल 5 ईयर का कोर्स है और इसमें 1 साल का आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम मिलती है यानी टोटल 6 वर्षीय कोर्स है। इसमें आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। इसमें योग्यता की बात करते तो 50% मार्क्स होने चाहिए ट्वेल्थ में विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से और एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेते इसमें तो इसमें आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और फिर आपकी रैंक के हिसाब से आपको BAMS में एडमिशन मिलता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। दोस्तों इससे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो और इसके जॉब के जो चांस है वो लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि आयुर्वेदिक की तरफ से लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो और प्राइवेट का खुद का हॉस्पिटल भी खोल सकते हो आयुर्वेदिक से। नेक्स्ट कोर्स दोस्तों मेडिकल का वो है BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों BHMS मेडिकल क्षेत्र में एक स्नातक डिग्री प्रोग्राम है। इस डिग्री में होम्योपैथिक प्रणाली के चिकित्सा ज्ञान को शामिल किया गया है। इस डिग्री को पूरा करने के बाद आप होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र में एक डॉक्टर बन सकते हो और आपको इसके जो इंट्रेंस एग्जाम होता है नीट के थ्रू ही आप इन जितने मैंने अभी तक मेडिकल के कोर्स बताए हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हो और रैंकिंग के अनुसार आपको वहाँ पर उनमें एडमिशन मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट कोर्स है मेडिकल का, वो है BSc नर्सिंग का। ये भी बहुत चर्चित कोर्स है और उस पर बहुत सारे स्टूडेंट इसको करते हैं। BSc नर्सिंग की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ नर्सिंग।
इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो होता है 4 वर्षीय कोर्स होता ही है। योग्यता की बात कर लेते तो 12th में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में इसके अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं बीएससी नर्सिंग की, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक है AIIMS यानी एम्स और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, MCC है क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज जो कि तमिलनाडु में है, और MMC है मद्रास मेडिकल कॉलेज जो कि मद्रास में है। बाकी टॉप यूनिवर्सिटी मैं आपको अपनी वेबसाइट में उसकी लिस्ट दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी टॉप यूनिवर्सिटी देख सकते हो। बाकी प्रत्येक स्टेट में इसके अलग अलग कॉलेज हैं और प्रत्येक यूनिवर्सिटी क्या कराती है, स्टेट में कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो इसका कोर्स कराती हैं, उसके लिए प्रत्येक साल वो इंट्रेंस एग्जाम कराती है, और इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आप वहाँ पे इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसमें जॉब की बात कर लेते हैं तो इसमें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब पा सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब पा सकते हो, और पैथोलॉजी सेंटर में आप वहाँ पे या मेडिकल लैब में आप इसमें जॉब पा सकते हो, तो इसमें भी जॉब के बहुत ज़्यादा चांस हैं। नेक्स्ट कोर्स है दोस्तों मेडिकल का, वो है बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 4 वर्ष का ये कोर्स है। योग्यता की बात कर लेते तो 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या आप यदि आप PCM के छात्र भी हैं तो PCM वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं। 50% मार्क्स के साथ आपका 12th पास होना चाहिए। इसमें आप दवाई बनाना आपको सिखाया जाता है या आपको टेस्ट कराना सिखाया जाता है, बहुत सारे टेस्ट आप कैसे कर सकते हो क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में तो टेस्ट की बहुत ज़्यादा क्या है डिमांड है। उसके बाद जो जॉब की बात कर लेते हैं इसमें तो जॉब आप केमिस्ट बन सकते हो या मेडिकल स्टोर में आप जा सकते हो, खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप वहाँ पे जॉब पा सकते हो, तो इसमें भी जॉब के बहुत ज़्यादा चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डी फार्मा यानी फार्मेसी इन डिप्लोमा, एक डिप्लोमा कोर्स है, और इसमें जो कोर्स ड्यूरेशन ये 2 ईयर्स का कोर्स होता है यानी 2 वर्ष का ये कोर्स है, और इसमें आप पॉलिटेक्निक के थ्रू जा सकते हो, यानी आपको पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसमें काउंसलिंग और जैसे आपकी मेरिट होगी उस हिसाब से आपको वहाँ पर कॉलेज मिल सकते हैं। दोस्तों इसमें जो जॉब की बात कर लेते हो तो इसमें आप गवर्नमेंट जॉब में जॉब पा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जॉब पा सकते हो इसमें, या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब पा सकते हो, या खुद का आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। दोस्तों अभी तो हमने बात की मेडिकल कोर्सेज के बारे में, अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिग्री कोर्सेज के बारे में। डिग्री में हम आपको यहाँ पे बताएंगे बीएससी और बीएससी ऑनर्स के बारे में। तो पहले बीएससी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। इसके एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो इसमें परसेंटेज के बेस पे यहाँ पे आपको बीएससी में एडमिशन मिलता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। परसेंटेज के बेस पे अलग अलग यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेरिट लगाती है और उस मेरिट के आधार पे वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके सब्जेक्ट की बात कर लेते तो इसमें यदि आपका 12th है बायोलॉजी से तो इसमें जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं बीएससी में होते हैं जूलॉजी और बॉटनी, और यहाँ पे जो केमिस्ट्री होता है वो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। यदि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तब आप वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी या बायो केमिस्ट्री वहाँ पे केमिस्ट्री जगह पे ले सकते हो, लेकिन अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना होता है तब आपको वहाँ पे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है आगे, इसलिए आपका जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री से बीएससी आपको करनी चाहिए यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है। लेकिन यदि आपको नहीं जाना है टीचिंग लाइन में तब कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप वहाँ पे बीएससी कर सकते हो। दोस्तों बीएससी करने का ये फायदा है कि बीएससी के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं आगे करियर बनाने के। यदि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं यानी IAS PCS बनना चाहते हैं तो आपको स्नातक डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है, और यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है यानी स्नातक डिग्री प्राप्त कर रखी है तो आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। उसके बाद बैंक PO के फॉर्म आते हैं या SSC के बहुत सारे फॉर्म आते हैं, यानी अधिकांश जो फॉर्म आते हैं डायरेक्ट जॉब के वो उसको आप तभी भर सकते हो जब आपके पास स्नातक डिग्री है। यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप BEd कर सकते हो, या आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो तो आप BSc के बाद MSc कर सकते हो। दोस्तों BSc में मैंने एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बना रखी है BSc के बाद कौन कौन से कोर्स होते हैं। यदि आपको BSc करने के इच्छुक हो, आपको BSc करनी है और उसके बाद आपको जानना है कि कौन कौन से कोर्स होते हैं BSc के बाद, तो उससे मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने आई बटन में या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ से BSc के बाद क्या करें वो सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हो। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे BSc ऑनर्स के बारे में। दोस्तों अभी तो हमने BSc की बात की तो BSc में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जबकि जो BSc ऑनर्स है उसमें केवल आपको 1 सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट अधिक हो। दोस्तों एक 5 वर्षीय कोर्स होता है और इसमें आपको 1 सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है जिसमें आपका फोकस ज़्यादा बनता हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट अधिक हो। तो यदि आप उस सब्जेक्ट को चुनते हो, यानी इस BSc ऑनर्स अधिकतर वो स्टूडेंट करते हैं जिसको एक सब्जेक्ट से ही बहुत आगे तक जाना होता है, यानी यदि आपको रिसर्च में जाना होता है, यदि आपको एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना होता है, वो स्टूडेंट अधिकांश BSc ऑनर्स करते हैं क्योंकि उनको एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, इसलिए वो उस सब्जेक्ट से ही BSc ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करते हैं। BSc ऑनर्स जैसे मुख्य सब्जेक्ट होते हैं BSc ऑनर्स फिजिक्स, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स साइंस, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स
बॉटनी, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट जिसकी लिस्ट मैंने आपको वहाँ पे अपनी वेबसाइट में दे रखी है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हमारे वेबसाइट में आप जाके सारे सब्जेक्ट देख सकते हो, किस किस सब्जेक्ट से आप बीएससी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हो, और सारी जानकारी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैंने पूरी डिटेल्स वहाँ पे बता रखी है। बीएससी ऑनर्स का जो मुख्य फायदा यही है कि यदि आप किसी सब्जेक्ट में डीप नॉलेज चाहते हैं और आपको रिसर्च में जाना है, तब आपको फायदेमंद है बीएससी ऑनर्स करना। दोस्तों अभी तक हमने बात की मेडिकल कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज के बारे में, अब मैं आपको कुछ अदर कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो। दोस्तों इसमें पहले नंबर पे आता है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये धारणा रहती है कि बायोलॉजी स्टूडेंट एनडीए में नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा गलत है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें योग्यता की बात कर लेते तो इसमें योग्यता होती है अनमैरिड यानी आप अविवाहित होना चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए 16.5 से 19 वर्ष और आपका फिजिकल फिटनेस ठीक होना चाहिए। प्रोसेस की बात कर लेते तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है एनडीए का प्रत्येक साल, और एंट्रेंस एग्जाम के बाद वहाँ पे यदि आप इसका एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया है तो तब आपका एसएसबी यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपको बहुत सारे आपको वहाँ पे टास्क दिए जाएंगे और उनसे आपको गुजरना होता है, और सारे यदि आपने बिल्कुल कंप्लीट कर दिए फिर आप वहाँ पे एनडीए में आप पूरी तरह से वहाँ पे इंडियन आर्मी में जा सकते हो। हाँ, बायोलॉजी स्टूडेंट ध्यान रखना, जो बायोलॉजी स्टूडेंट है यदि वो इंडिया का फॉर्म भरते हैं वो सिर्फ इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, जबकि जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो इंडियन आर्मी में भी जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में भी जा सकते हो और इंडियन नेवी में भी जा सकते हैं, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट सिर्फ इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट अदर कोर्स यहाँ पे जो आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो वो है एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ। ये एक 5 वर्षीय कोर्स होता है जिसको आप ट्वेल्थ के बाद यदि आप करना चाहते हो ये 5 वर्षीय कोर्स है, लेकिन यदि आपने पहले बीएससी यानी ग्रेजुएशन कर दिया है और उसके बाद आप एलएलबी करना चाहते हो तो ये 3 वर्षीय कोर्स हो जाता है। इसकी इंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेते तो इसमें आपको क्लैट का एग्जाम यानी कॉमन लॉ ऑफ एडमिशन टेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, प्रत्येक साल इसका एग्जाम होता है और उसके बाद आप यहाँ पे इसमें एडमिशन पा सकते हो, इसमें आप एक वकील बन सकते हो। नेक्स्ट अदर कोर्स है दोस्तों जिसको आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो वो है बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक 3 वर्षीय कोर्स होता है। इसमें योग्यता की बात कर लेते तो इसमें आपका एनी सब्जेक्ट यानी ट्वेल्थ में अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ कॉमर्स तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। इसमें आपका ट्वेल्थ में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसमें जॉब की बात कर लेते तो इसमें आपको फाइनेंस मैनेजर आप बन सकते हो या फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हो या आप खुद का एक बिजनेस खोल सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है दोस्तों बीएमएस यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है 3 वर्षीय कोर्स होता है। योग्यता की बात कर ले तो इसमें आपका ट्वेल्थ में 45% मार्क्स होना चाहिए एनी सब्जेक्ट से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कॉमर्स, और जॉब की बात कर लेते हैं इसमें तो आप बैंकिंग में जा सकते हो या फाइनेंशियल इसमें जॉब मिल सकती है आपको, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो या आप खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कोर्स जो मैंने आपको बताया कि आप ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और दोस्तों ये जरूर बताइए कि आप ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स करने वाले हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।